रेनबो चैनल की ओर से सतरंगी नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से सीखिए साधारण मापनी यानी सिंपल स्केल बनाना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। पूरा वीडियो देखिए। यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, आरएफ 1:200। इसका अर्थ है कि एक सेंटीमीटर कागज़ पर है तो धरातल पर 200 सेंटीमीटर, यदि कागज़ पर 1 मीटर है तो धरातल पर 200 मीटर। अर्थात कागज़ पर 1 सेमी है तो धरातल पर 200 सेमी, क्योंकि आरएफ में जो दोनों इकाइयां अंश और हर वो क्या होती है, एक ही इकाई में होती है। दोनों सेंटीमीटर में हो सकती है, दोनों मीटर में, दोनों इंच में हो सकती है। तो आगे प्रश्न है, कागज़ पर 10 सेमी है तो 10 सेमी मैंने क्यों लिया, 10 सेमी की जगह आप 12 सेमी, 14 सेमी, 15 सेमी, 16 सेमी, ये आपकी इच्छा पर है, कितना भी ले सकते हैं। तो कागज़ पर 10 सेमी मैंने लिया है तो धरातल पर कितना होगा, 200 × 10, इसका मतलब 2000 सेमी। और 2000 सेमी के अंदर 100 का भाग देने पर वह मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 10 सेमी बराबर 20 मीटर, ये हो गया कथनात्मक मापक। तो यानी 10 सेमी की लाइन हम कागज़ पर खींचेंगे, ड्रा करेंगे और उस पर 20 मीटर प्रदर्शित करेंगे धरातल पर, जो मतलब 10 सेंटीमीटर कागज़ पर है वो 20 मीटर धरातल पर आप का नाप दिखाएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने 10 सेंटीमीटर की एक चौकड़ी चौकोर लाइन ड्रा की है, खींच लिए। तो ये कागज़ पर 10 सेमी है जो धरातल के 20 मीटर के बराबर नाप को प्रदर्शित करेगी। तो अब 10 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, मैंने एक बीच में इसको विभाजित किया है और इसमें अब इसमें मैंने 5 टुकड़े किए हैं। आप चाहे 10 टुकड़े कर सकते हैं, 2 टुकड़े कर सकते हैं। तो 20 मीटर को मैंने प्रदर्शित किया है तो अब ये 4-4 मीटर के टुकड़े होंगे, 4 × 5 यानी 20 हो जाएंगे। तो पहला भाग होता है वो क्या होता है, गौण भाग होता है यानी सेकेंडरी पार्ट होता है। ये जो बाकी का हिस्सा बचा है ये प्राथमिक भाग या प्राइमरी डिवीजन कहलाता है। तो इसको मैंने एक पार्ट को छोड़कर इस पर जो है ये अंक लिखेंगे, क्योंकि 4-4 मीटर का प्रत्येक टुकड़ा होगा, क्योंकि मापनी धरातल के नाप को प्रदर्शित करती है। तो इसमें धरातल के माप लिखे जाते हैं 4, 8, 12 मीटर और 16 मीटर। जो ये बचा हुआ है ये है गौण भाग है, सेकेंडरी डिवीजन है। तो यह है, ये भी 4 मीटर का है तो इसके हम 4 टुकड़े करेंगे, क्योंकि 4 मीटर का तो 4 टुकड़े होंगे। आप चाहे तो 2 भी कर सकते हैं। तो इसमें आप मीटर में दर्शाना चाहे तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, सेंटीमीटर में दर्शाना चाहे तो 1 को जो है 2, 3, 4 इनको 100 से गुणा कीजिए तो 100, 200, 300, 400 हो जाएगा। इसके अलावा आप यदि डेसीमीटर में दर्शाना चाहते हैं तो 10, 20, 30 और 40 दर्शा सकते हैं। मैं यहाँ सेंटीमीटर में दर्शाऊँगा क्योंकि ये 4 मीटर है तो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर। तो एक तरफ आप जो गौण भाग है वहाँ सेमी लिख दीजिएगा, दूसरी तरफ है वो मीटर अंकित कर दीजिएगा और लगते हाथ है उसके ऊपर आरएफ 1:200 लिख दीजिएगा। इस प्रकार आप ये साधारण मापनी बना सकते हैं और इसमें कलर एकांतर क्रम में कर दीजिए जो आकर्षक लगेगी। तो इस प्रकार आप साधारण मापनी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन के वीडियो एवं आई सजेशन के वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।